राजगढ़ जिला मुख्यालय पर लगभग 3 घंटे पैदल घूमकर विधायक और कलेक्टर मैडम, नगरपालिका अध्यक्ष, तहसीलदार, सीएमओ समेत अधिकारियों ने शहर का निरीक्षण किया। राजगढ़ विधायक और कलेक्टर मैडम ने मौके पर खड़े होकर पुराने बस स्टैंड स्थित कीर्ति स्तंभ के आसपास का अतिक्रमण हटवाया और सफाई भी करवाई। साथ ही में नगरपालिका कर्मचारियों के ड्रेस पहनकर कलेक्टर विधायक समेत सभी अधिकारियों ने कीर्ति स्तंभ के आसपास के झाड़ू से साफ सफाई भी की। वहीं कलेक्टर मैडम को फावड़ा नहीं मिला तो उन्होंने हाथ से ही कचरा उठाया। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। आज जो है राजगढ़ शहर में थोड़ा बहुत जो अपने शहर के हिसाब से स्वच्छ रहना चाहिए, उसका एक तरीके से हमने एक कैंपेन कंसिडर करते हुए राजगढ़ शहर में साफ सफाई अभियान की आज से शुरुआत की है, ताकि यहाँ पे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो सभी अपनी जो ड्यूटी है उसको समझें। इनकी जहाँ जहाँ पर ड्यूटी लगेगी वहाँ पर ये अनिवार्य रूप से रूटीन बेसिस पे हर जगह साफ सफाई करें, और जितने भी लोगों ने इधर उधर अव्यवस्थित तरीके से अपने कुछ दुकानें लगा ली हैं, कुछ टपलियाँ लगा ली हैं, इनको एक शहर नोटिफिकेशन के हिसाब से इनको मूव करके और उचित जगह पे मूव करने का ये आज से हम लोग कार्रवाई की शुरुआत कर रहे हैं। मूलतः जो राजगढ़ शहर है वो ऐसे भी साफ सुथरा ही शहर है, ज़्यादा गंदगी यहाँ पर नहीं है, लेकिन कुछ एक एरियाज हैं जहाँ पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, मार्केट एक्टिविटी होती है, वहाँ गंदगी होती है। वहाँ जो नगर पालिका की साफ सफाई की व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ करने के हिसाब से आज से आगे करने की शुरुआत। शहर ये हमारा शहर है, इसको स्वच्छ और नंबर वन बनाने के लिए इसको हम एक प्रयास किया है और इसकी शुरुआत की कि निरंतर साफ सफाई बनी रहे और लोग अपना नेचर बनाए कि कचरा ना डालें सड़क पर, कचरा डान में डालें। और निश्चित रूप से मेरा विश्वास और मेरी अपील है कि सभी नागरिक बंधु इस पर ध्यान दें और सफाई की ओर विशेष ध्यान दें ताकि स्वस्थ जीवन बना रहे।